Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our chemistry syllabus. The name of the chapter, as you can see, that is states of matter. And precisely in this chapter, we need to study only about the gaseous and liquid state. Okay? So chapter ke naam mein se hi pata chal jata hai ki states of matter mein hume yahan par is chapter mein kis pe focus karna hai? Gases aur liquid pe focus karna hai. Kaun chhoot gaya? Solid chhoot gaya, right? Solid pe is chapter mein itna focus nahi karna hai. ज्यादा हमारा फोकस गैसेस और लिक्विड्स पे ही रहेगा. ओके, ऑन दैट नोट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन. यू नो आई एम सलमान पीटी वाला, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मद्रास. ओके, आई विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. लेट्स मेक अ स्टार्ट. सो दोस्तों, स्टेट्स ऑफ मैटर ये टॉपिक आप लोग स्टैंडर्ड 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट? 8th, 9th, 10th, थिंग्स लाइक दैट. बहुत पहले से आप लोग ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हो. What exactly is states of matter? आप लोगों को पता है states of matter. So you know हमारे पास जितना भी matter होता है surrounding में, उसे हम mainly तीन states में classify कर सकते हैं. These are three states of matter mainly. हाँ, the first one is solid, liquid and gas, right? Fine. These are the three ways of classification of matter. बहुत सारे example इसके दे सकते हैं, आप लोगों को पता है. You know, for example, solid can be, let's say, iron. Iron is generally in the solid form, right? It's a solid. Liquid की बात करो तो आप बोलोगे sir, simple example, water. Gas की बात करूं तो gas तो बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे for example nitrogen gas. और वाटर की बात करूं तो लिक्विड वाटर की बात हो रही है, ठीक है? सॉलिड आयन की बात हो रही है. सो सम रूम, और ये सब रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे. आयन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे. वाटर लिक्विड होता है, और गैस जो है नाइट्रोजन बेसिकली रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, ठीक है? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, गैस या एयर, राइट? ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस, आप लोगों को पता है. यू ऑल्सो नो गाइस वन मोर थिंग, दैट ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर इंटरचेंजेबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हीट अ सॉलिड, इट विल टर्न टू अ लिक्विड, राइट? यू शुड ऑल्सो नो द फैक्ट दैट सॉलिड, इफ आई हीट अ सॉलिड, देन इट विल बिकम अ लिक्विड, राइट? सिमिलरली, अगर लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्मी दी जाती है, तो बन जाता है गैस, बराबर? सॉलिड बनता है लिक्विड, लिक्विड बनता है गैस. उसके एक एग्जाम्पल भी देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, लेट से मेरे पास सॉलिड आइस है, बर्फ है, सॉलिड आइस. सॉलिड आइस को जब मैं हीट करूंगा, गर्मी दूंगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? लिक्विड वाटर बन जाएगा, हाँ या ना? बराबर. फिर उसे फिर से हीट करूंगा तो बनेगा वाटर वेपर, जिसे हम हिंदी में आई कैन से भाप कहते हैं, राइट? ओके, वॉटर वेपर, राइट? इट्स अ गैस. सो बेसिकली क्या हुआ, यू नो, सॉलिड ऑन हीटिंग बिकम्स अ लिक्विड, लिक्विड ऑन हीटिंग बिकम्स अ गैस, पता है सबको. सिमिलरली दोस्तों, अगर रिवर्स लाया जाए, देखो यहां से यहां जाने के लिए तो हीट करना पड़ता है, सॉलिड टू लिक्विड हीट, लिक्विड टू गैस हीट. बट अगर गैस को कूल किया जाए तो इट विल बिकम अ लिक्विड अगेन. सो रिवर्स आ सकते हैं, कूल किया जाए अगर गैस को, then it will become a liquid. Similarly, अगर liquid को cool किया जाए तो it will become solid, right? Example पे भी वो fit बैठता है. Water vapor को अगर cool करोगे तो it will become droplets of water, that is liquid water. Similarly, if you take liquid water and if you cool it, it will become ice. So this is a very simple thing you should know. इतना तो आप लोगों को पता है, राइट? थोड़ा पहले सर हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. थोड़ा थोड़ा जो ऑलरेडी हमें पता है, हम उसकी चीजों के बारे में नोट डाउन करे जा रहे हैं. ओके, फाइन. सो दिस इज समथिंग यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ. ओके, नाउ दोस्तों, लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, सो अब डिस्टिंग्विश करते हैं. कुछ कुछ चीजें तो हमें पता है, कुछ कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे. सो लेट्स मेक अ टेबल. मैं मस्त ऐसा टेबल बनाता हूं. एक टेबल में सॉलिड, एक में लिक्विड, एक में गैस. सो लेट्स से दिस इज द टेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट अ सॉलिड, देन हाउ डज अ सॉलिड लुक? सो
अगर सबसे पहले उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी हैविंग अ लुक एट द माइक्रोस्कोपिक व्यू. सो इफ यू लुक इनटू द माइक्रोस्कोप ऑफ अ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, एकदम नजदीक नजदीक है ये जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड के, वो सब चिपके हुए एक दूसरे से. राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. सॉलिड बहुत नजदीक नजदीक होगा. इफ यू टेक अ लिक्विड, देन जनरली दोस्तों लिक्विड हम एक कंटेनर में रखेंगे. राइट, लिक्विड हमेशा ऐसे हाथ में लेके कोई नहीं घूमता, लिक्विड हमेशा एक कंटेनर या वेसल में रखेंगे. राइट, तो लिक्विड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द लिक्विड, देन लेट्स से इसके अंदर हमारे पास ऐसा कुछ वॉटर है. राइट, दिस इज वॉटर. सो यहां पर जो पार्टिकल्स है दे विल बी नॉट वेरी क्लोज, समथिंग लाइक दिस. जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है दे विल बी लाइक दिस, बहुत नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है. राइट, ओके, लाइक दिस. इफ आई टॉक अबाउट अ गैस, देन सिमिलरली गैस, गाइस गैस को ऐसा हवा ऐसा तो मैं लेके नहीं बैठ सकता, हमें उसे कंटेनर में लेना पड़ेगा. लेट्स टेक, लेट्स से आई एम टेकिंग अ गैस इन अ बलून. ठीक है, तो बलून में थोड़ा गैस ले लेते हैं. अब बलून की बात करूं तो इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो काफी दूर दूर होंगे दोस्तों. ठीक है, जैसे आपने देखा सॉलिड में पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. राइट, वेरी क्लोज. यहां पर दे आर नॉट वेरी क्लोज बट मीडियम है, ओके, मॉडरेटली क्लोज. एंड यहां पर दे आर, आई कैन से क्वाइट, दे हैव अ ह्यूज डिस्टेंस. राइट, बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स. राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो इफ आई टॉक अबाउट द मीन सेपरेशन हियर, सो मीन सेपरेशन की बात करूं, सो इन केस, और लेट मी जस्ट राइट इट हियर, लेट्स राइट मीन सेपरेशन. सो मीन सेपरेशन जो सॉलिड में होगा ना, बहुत नजदीक है. राइट, सॉलिड में इट इज अबाउट 3 to 5 Armstrong. ओके, 3 to 5 Armstrong. व्हाट इज Armstrong? Armstrong इज 10 to the power -10. रिमेंबर, आई राइट अ नोट, व्हाट इज Armstrong? दिस मीन्स 10 to the power -10 meters. ओके, फाइन. सो आप देखो यहां पर मीन सेपरेशन इज 3 to 5. यहां थोड़ा सेपरेशन ज्यादा है. राइट, द सेपरेशन इज मोर. सो मीन सेपरेशन आउट हियर इज रफली 3 to 10 Armstrong. ओके, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट गैस, देन गैस में तो बहुत दूर दूर है, इट इज डेफिनेटली मोर देन 5 Armstrong. ओके, 5 Armstrong से तो ज्यादा ही होता है मीन सेपरेशन. ठीक है, सो आउट हियर दे आर वेरी क्लोज, हियर दे आर मॉडरेट, हियर दे आर पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्टिंग्विश का लिख दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा किस बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है, नाउ लेट अस टेक द सेकंड पॉइंट, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कह लेता हूं. चलो, सो इफ यू सी योर गाइस, हियर द एटम्स आर टाइटली पैक्ड. राइट, इन केस ऑफ अ सॉलिड दे आर टाइटली पैक्ड एंड दे हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट. राइट, रेगुलर अरेंजमेंट, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं आधा तेरा अरेंजमेंट नहीं होता, रेगुलर अरेंजमेंट. ओके, फाइन फाइन. ओके, सिमिलरली लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में दे आर लूजली पैक्ड. पैक तो है लिक्विड, आप देख सकते हो ये पैक तो है पर लूज है, एकदम टाइट नहीं है. सॉलिड में किसी एकदम टाइट था वैसा टाइट नहीं है, दे आर लूजली पैक्ड. तो मैं लिखूंगा दे आर लूजली पैक्ड, बट यहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इट्स एन इररेगुलर अरेंजमेंट. राइट, सॉलिड में बात करो तो एकदम प्रॉपरली अरेंज होते हैं, शेप अरेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल एक सॉलिड है, इसका शेप अरेंज्ड है. राइट, अगर इसके शेप की बात करूं तो मैं ऐसा फूक मार के इसका शेप चेंज नहीं कर सकता, दे आर रेगुलर. बट लिक्विड की बात करूं तो वो इररेगुलर है, कभी वो ऐसा, आई कैन से इफ आई टेक अ कंटेनर राइट और उसको दूसरे कंटेनर में डालूं तो लिक्विड का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा. राइट, इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. अगर बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डालूंगा तो लिक्विड वहां शिफ्ट हो जाएगा, पर अगर इसे बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में डालूंगा तो ये नहीं जाएगा, लिक्विड चला जाएगा. राइट, पर सॉलिड विल नॉट चेंज इट शेप. ओके, फाइन. सो दे आर लूजली पैक्ड एंड इररेगुलर. सिमिलरली यहां पर दे आर, इन केस ऑफ गैसेस दे आर मोर लूजली पैक्ड, मोर लूजली पैक्ड, और भी कम पैकिंग होता है इनमें पैक्ड, एंड दे आर हाईली इररेगुलर, हाईली
irregular arrangement. Okay, highly irregular arrangement. Fine, so I hope these points are clear enough for the arrangement. Kuch arrangement ke respect mein maine kuch points likh diye, theek hai, yahan par solid, liquid aur gas. Now dosto, अरेंजमेंट तो समझ लिया, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस. आई होप आप लोग ये कॉपी करते जा रहे हो. कुछ बेसिक्स ही मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ डिटेल में तो अभी नहीं जा रहा हूँ. पहले हम अपने कुछ बेसिक्स ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है. चलो, ये कॉपी कर रहे हो ना, आई होप आप लोग कॉपी कर रहे हो, ठीक है. दो पॉइंट्स हमने समझ लिए सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू डिस्कस इज द पॉइंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट इरेज दीज लाइंस आल्सो एंड आई विल पुल अप अ डायग्राम फ्रॉम द बुक. एक डायग्राम ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस डायग्राम, दैट विल बी हेल्पफुल टू अस. ओके, ये वाला डायग्राम, चलो लेट्स कीप दिस डायग्राम. ओके, ये डायग्राम बड़ा अच्छा है समझने के लिए क्या हो रहा है, राइट. सो मैं इस डायग्राम को अब सामने रखता हूं और इसके रिस्पेक्ट में ही हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट थिंग वी अंडरस्टैंड इज पॉइंट नंबर 3 इन दिस. लेट मी जस्ट पुल दिस डाउन. या नेक्स्ट इज आई कैन से द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दोस्तों यू नो सॉलिड में जो है वो पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं, हिल नहीं सकते, दे आर नॉट फ्री टू मूव, राइट. So I can say fixed position पे है particles and I can say they cannot move, हिल नहीं सकते, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, cannot move freely. Okay, now if you talk about liquids की बात करो तो liquids में जो particles है वो अपनी जगह से थोड़ा move कर सकते हैं, right. ऐसा नहीं कि बिल्कुल move नहीं कर सकते, they can move. Okay, so I can say in this particles can move a little, or I can say can move a small distance. नीचे का पार्टिकल ऊपर जा सकता है, राइट. नीचे का पार्टिकल ऊपर जा सकता है, ऊपर का पार्टिकल नीचे आ सकता है, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है. पर गैसेस की बात करूं तो गैसेस में तो पार्टिकल्स घूमते ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट से मेरे पास एक गैस है, आप लोग ने डीओ यूज किया होगा, राइट. डीओ या रूम स्प्रे, डीओ या रूम स्प्रे की बात करूं तो उसमें से जब गैस निकलता है, सब प्रेस करता हूं ऐसा होता है और गैस निकलता है, वो गैस पूरे रूम में फैल जाता है, राइट. बराबर, कभी आपने देखा है किसी ने सेंट लगाया और वो इतने से एयर में, ऐसा नहीं, कभी इतने में नहीं रहेगा पूरा, वो सेंट फैल जाएगा, राइट. ओके, तो जो खुशबू होती है वो सब जगह फैल जाती है. क्यों? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव फ्रीली. ओके, वो कभी रुकते नहीं एक जगह पे, दे कैन मूव फ्रीली, वेरी फ्री. सो आई कैन से दे मूव freely in random motion. और motion में उनका random होता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि सब left जा रहे हैं, सब right जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. एक बार spray किया सब उड़ गए, ठीक है. They are random motion. Okay, point number 3 हमने discuss कर लिया. Point number 4 we'll quickly discuss is shape and volume. So दोस्तों, if I could talk about solids, then you know solids have a definite shape, right? Just let me put this line. Solids shape की बात करूं तो solids have a डेफिनेट शेप, राइट. एक शेप होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है, इसका एक शेप है, राइट. ओके, फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, देन डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स का कोई शेप नहीं होता, बट उनकी वॉल्यूम जरूर होती है. एक पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं. सो दे हैव अ पर्टिकुलर वॉल्यूम बट नो शेप. और अगर लिक्विड की बात करें तो दे शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, राइट. अगर उन्हें छोटे कंटेनर में रखा तो छोटे कंटेनर का शेप ले लेंगे, बड़े कंटेनर में रखा तो बड़े कंटेनर का शेप ले लेंगे. सो आई कैन से दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, राइट. ओके, गैसेस की बात करूं तो दोस्तों, तो गैसेस का ना तो कोई वॉल्यूम होता है ना तो कोई शेप होता है, ठीक है. कभी वो थोड़े से वॉल्यूम में होते हैं, अगर उन्हें स्प्रे कर दिया गया तो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, राइट. सो आई कैन से नो वॉल्यूम नो शेप, राइट. मैंने आपको एग्जांपल दे दिया,
डिओड्रेंट का या बॉडी स्प्रे का स्प्रे करो तो एक वॉल्यूम में नहीं रहेंगे, वो फैल जाएंगे। लिक्विड तो कम से कम एक वॉल्यूम में एक जगह ठहरा हुआ रुका हुआ रहेगा, गैस तो रुकने वाला ही नहीं, वो तो फैल ही जाएगा, राइट, पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा। सो गैसेस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप नॉर अ वॉल्यूम, राइट, फाइन, कम ऑन। नाउ लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, चार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स डिस्कस वन मोर। ओके, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस, या और दो तीन और है, जल्दी जल्दी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट स्टफ वी नीड टू डिस्कस फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच वाली स्पेस। सो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात करूं, सो कैन आई से सॉलिड में तो दोस्तों जगह ही नहीं है, दो मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट एक दूसरे से चिपके हुए हैं, राइट, देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। सो आई कैन जस्ट राइट डाउन वेरी स्मॉल। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो इन दिस केस सॉलिड के केस में इट इज अ वेरी स्मॉल इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इन टर्म्स ऑफ लिक्विड्स देयर इज आई कैन से मॉडरेट, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं पर मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर, थोड़ा थोड़ा तो दूर रहते हैं मगर, सो आई कैन से मॉडरेट यहां पर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है। इन टर्म्स ऑफ गैसेस, देन गैसेस में तो बहुत दूर दूर है, राइट, दो मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जगह खाली है, सब जगह खाली है, राइट, सो आई कैन से दे हैव लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर फाइव। लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर सिक्स। सो लेट्स, पॉइंट नंबर सिक्स इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। शॉर्ट में लिखता हूं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करूं यानी उसको हीट अप करूं तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर सॉलिड को हीट करूं ना, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन को हीट करूं, तो उसके वॉल्यूम पे बहुत चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो, आई कैन से नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम, राइट, सो आई कैन से वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल, वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा होगा पर बहुत ज्यादा नहीं होगा, किसका, एक सॉलिड का। लिक्विड की बात करूं तो, और उसे अगर हीट करूं, टेम्परेचर चेंज करूं, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, द वॉल्यूम चेंजेस आई कैन से मॉडरेट, बट गैसेस की बात करूं, जब गैसेस को हीट करते हैं ना दोस्तों, तो गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, अगर मैं बलून, बलून के अंदर, बलून अगर हीट अप होता है ना, तो उसके अंदर जो एयर होती है वो एक्सपांड होने की कोशिश करती है, राइट, रिमेंबर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, अगर उन्हें हीट कर दिया जाए, उनका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, सो देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस और वो फाइनली बलून बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बलून के अंदर जो फुग्गे के अंदर जो एयर है अगर वो गर्म होती है तो बर्स्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। सो हियर द वॉल्यूम चेंज इज हाई, वॉल्यूम चेंज इज हाई, कब हाई, जब मैं उसे हीट करता हूं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करता हूं। तो लास्ट पॉइंट इज कंप्रेशन और एक्सपांशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेशन? कंप्रेशन मतलब दबाना, राइट, एक्सपांशन मतलब खोलना। सो अगर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड को दोस्तों क्या मैं दबा सकता हूं, ऐसा दबा के कम कर सकता हूं? आई कैन से नेग्लिजिबल, यू कैनॉट चेंज द, आई कैन, यू कैनॉट कंप्रेस अ सॉलिड, वेरी डिफिकल्ट, आई कैन से दे आर नॉन कंप्रेसिबल, प्रैक्टिकली नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, अगर लिक्विड को मैं कंप्रेस कर सकता हूं, क्या दबा सकता हूं, दबा के छोटा कर सकता हूं, योर आंसर वुड बी वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ओके, और आई कैन से इट हैज वेरी स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी, बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तो वो भी नहीं है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ओके, फाइन। सिमिलरली दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट अ गैस, कैन गैस बी कंप्रेस्ड? यस, गैस कैन हाईली बी हाईली कंप्रेस्ड, तो गैस को तो मैं मस्त कंप्रेस कर सकता हूं। ओके, रिमेंबर दिस। सो दोस्तों हमने देखा सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को हल्का सा कंप्रेस कर दिया तो कर दिया, पर गैस को आराम से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बहुत जोरदार कंप्रेस कर सकते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल, देखो जो आपके डीओ में या बॉडी स्प्रे में जो सेंट होता है ना, वो कंप्रेस्ड होता है, एकदम भरा हुआ होता है, जैसे मैं उसको प्रेस करता हूं तो पूरी एयर ऐसा बाहर निकलती है, राइट, क्योंकि वो कंप्रेस दबा हुआ है, उसको टच किया तो वो बाहर निकलेगा, राइट, क्योंकि अंदर के अंदर पूरा का पूरा गैस उसमें दबा हुआ है। ओके, सो गाइज मेक अ नोट ऑफ दिस, दिस
completes a first concept, that is introduction. Humne complete kar diya about solids, liquids and gases.